पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप, और 6 दिसंबर 2024 को जयपुर में होने वाला पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक का धरना स्थगित हो गया। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ जोर शोर से धरने की तैयारी कर रहा था और उसने नारा दिया था कि अब की बार 20,000 से अधिक संख्या में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक जयपुर में पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक धरना क्यों स्थगित कर दिया गया, यही जानने के लिए हम बात करेंगे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुरा से। इस वक्त प्रवीण जसरापुरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर 6 दिसंबर का धरना क्यों स्थगित किया गया, आगे कब धरना किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कब तक मुलाकात हो सकती है पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक की, और कब इनके नियमितीकरण का रास्ता आसान होगा, यही सब जानेंगे प्रवीण जसरापुरा से। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और धरने के बारे में, नियमितीकरण के बारे में, जो कुछ भी शासन में चल रहा है, जो कुछ भी संघ आगे के लिए रणनीति बना रहा है, वो सब कुछ जानते हैं प्रवीण जसरापुरा से। नमस्कार सर, एनएस नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, थैंक्स जी। सर, आप लोग का एक धरना होने वाला था 6 दिसंबर को, तो सर वो अचानक कैंसिल हो गया, क्या कुछ कारण रहा सर? देखो, हम नेता तो है नहीं जी, जी हमें संविदा कार्मिक हैं और नियमित कार्मिक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी, जी। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारा 6 दिसंबर का प्रस्तावित कार्यक्रम था और वो हम करना भी चाह रहे थे जी। और उसके लिए परमिशन वगैरह की बात भी हो गई थी जी, जी। लेकिन प्रशासन से पता लगा कि 6 दिसंबर को अयोध्या बरसी है, तो जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से, मतलब जो प्रशासन का जाप्ता है वो पूरा व्यस्त रहेगा और उसके मतलब कार्यक्रम भी हैं जयपुर में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के और अन्य दूसरा का जो कार्यक्रम राजस्थान में अभी चल रहा है, उसके तहत SOG की सिक्योरिटी पूरी यहाँ पे लगी हुई है जयपुर में, तो सरकार पूरी तरह सख्ते में है। उसके बावजूद भी हमने क्या है कि बिना परमिशन के पहले भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, हम विद्यार्थी मित्र रहे हैं उस दौरान, कई आंदोलन हमने किए हैं जिनमें हमने परमिशन ली नहीं है। कोरोना काल में हमने रैली की थी जिसमें परमिशन ली नहीं थी, DCP साहब ने देशद्रोह का मुकदमा लगाने की भी धमकी दी थी मुझे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा था, वो नहीं शर्म करेंगे कार्यक्रम। मैं और पटेल जी दोनों खड़े हो गए थे आगे कि हम हटेंगे नहीं, इसमें भी हम नहीं हटते बिल्कुल भी, लेकिन DCP साहब ने हमें समझाया कि आपका ये पहला तो कार्यक्रम है इस सरकार में और आपको कर्मचारी बनना है, नेता तो बनना ही नहीं है आपको, आप तो बैठ जाओगे एक तरफ, आप बिना परमिशन के कार्यक्रम करोगे बिना प्रशासन के, आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग आपके कहने पे यहाँ आएंगे और वो पिट कूट के घर जाएंगे, उससे कितना फर्क पड़ेगा। मेरे भी दिमाग में थे, क्योंकि हमारे साथियों के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर आज भी 2-3 मुकदमे चल रहे हैं और 20 साथी करीब रोज कोर्टों में आते हैं, हर महीने तारीख देते हैं, तो काफी परेशानियां होती हैं। उसके बावजूद हमारे पास सरकार से मैसेज मिल गया था CM साहब से मिलाने का, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो, CM साहब 2 दिन तो है नहीं, बाहर हैं, और जैसे ही CM साहब आएंगे, समय मिलेगा, आपके प्रतिनिधिमंडल को बैठा कर CM साहब से वार्ता करवाई जाएगी, आप अपनी जो भी समस्याएं वो CM साहब को बताइए, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं होता है तो रास्ते खुले हैं, कार्यक्रम तो कभी भी कर सकते हैं। कार्यक्रम करने के लिए हमें कोई कहीं हथियार थोड़ी लाने पड़ेंगे, हम तो 2008 से सक्रिय हैं, हमने इतने कार्यक्रम किए विद्यार्थी मित्रों ने कि पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में हमारा डंका बजता था, और आज भी वही बात हम कह के आए कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर CM साहब से हमारी वार्ता नहीं हुई जल्दी और सरकार, हमें लगा कि सरकार हमारे साथ फिर कुटाराघात कर रही है, तो कार्यक्रम होगा, 100% होगा, सरकार परमिशन दे चाहे मत दे, परमिशन का तो हमारा मुद्दा ही नहीं रहा है, परमिशन सरकार दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि हम नियमित कार्मिक बनना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी, और नियमित कार्मिक बनने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करें, सरकार के नियमों को माने। सर, जो मुख्यमंत्री जी 2 दिन के लिए बाहर थे तो अब आ गए हैं, तो या कल परसों या फिर कोई बैठक क्या प्रस्तावित है क्या भजन लाल शर्मा जी के साथ? फिलहाल अभी ऐसा मैसेज नहीं मिल पाया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 9 तारीख से जो रीजनिंग राजस्थान का जो एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत का यहाँ पे जयपुर में, उसके उसमें व्यस्त हैं थोड़े से, मैंने आज भी बात की थी, बोलो आप चिंता ना करें,
प्रवीण जी, जैसे ही हमारे बात हुई है आपकी, तो आपको 100% मिलाया जाएगा। आप इसमें कोई किंतु परंतु ना माने, लेकिन जैसे ही सीएम साहब को टाइम मिलेगा तब आपको समय दिया जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो। फाइनली मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आप लोगों की होगी, और आगे ये कार्यक्रम कब हो सकता है जो कैंसिल हुआ है? ये कार्यक्रम यो मानो कि 17 के बाद कभी भी हो सकता है। तो फिर से अब की बार 20,000 पार का नारा लेकर आप लोग 17 को फिर आएंगे? अब की बार 23,700 का ही नारा है जी। जी पूरे के अब की बार कुछ कमी रहती ना, वो कमी अब 3 गुना ताकत से मतलब 23,000 के साथ आएंगे जी। जी और शहीद स्मारक पे आएंगे जी। जी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हमारा अधिकार है नियमितीकरण, वो लेके रहेंगे सरकार से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो सर अगली बार जब 17 के बाद आप लोग धरना करेंगे तो विदाउट परमिशन करेंगे या विद परमिशन करेंगे? वो तो देखो हमारे तो धरने की डेट है, 17 से करना है, 18 से करना है, 25 से करना है, 27 से करना है, 30 से करना है। धरना तो वो हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि कब से करना है। बाकी उसके लिए प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा और वो दिया भी जाएगा परमिशन के लिए। बाकी परमिशन अगर सरकार देती है तो अच्छी बात है, नहीं भी देगी तो धरना होगा, आपकी बार कैंसिल नहीं होगा। मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात नहीं होती है तो धरना होगा, अगर मुलाकात हो जाती है और कुछ रास्ता निकल जाता है नियमितीकरण का तो सर हाँ उसके बाद वेट करेंगे। कितना वेट करना पड़ेगा पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक को? वो तो सर ऐसा है ना, देखो धरना करके और प्रदर्शन करके भी जाना सरकार के पास ही होता है और मुख्यमंत्री जी से अगर भेंट होगी तो मुख्यमंत्री जी से बड़ा सरकार में कौन है? मुख्यमंत्री जी की बात तो माननी पड़ेगी, वो लेना मुख्यमंत्री जी से ही है। वो समय देंगे 15 दिन, महीना, 2 महीना, तो देखेंगे। निराशा थोड़ी जरूर आई है क्योंकि साथी नहीं चाहते थे अब की बार की उनमें कार्यक्रम कैंसिल हो। मेरे सारे ही साथी पूरी तरह से सक्रिय थे, हाँ अच्छे सक्रिय थे, लेकिन मैं उनको पूरा संगठन पर विश्वास है, वो जब भी अब संगठन आह्वान करेगा जल्दी जयपुर तो इस ताकत से डबल एनर्जी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है नियमितीकरण लड़ाई के लड़ने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। और अब की बार सरकार, मुझे विश्वास है कि हमारा काम शायद सरकार रोके ना, अब आरंभ करेगी और नहीं करेगी तो सरकार को दिखाएंगे भी कि हम अभी संघर्ष करना भूले नहीं है, नियमितीकरण हमारा अधिकार है, वो हम करवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थी राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ से धरना कैंसिल होने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, NS Now पर बने रहें, धन्यवाद।